प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या कर दी गई। उमेश पाल जो राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। ये राजू पाल हत्याकांड क्या है और इससे उमेश पाल का क्या कनेक्शन है, आइए इसे समझने के लिए पहले अतीक अहमद और राजू की दुश्मनी को समझते हैं। साल था 2004, देश में लोकसभा के चुनाव हुए। प्रयागराज की पश्चिम सीट के विधायक अतीक अहमद फूलपुर लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव जीत गया। शहर पश्चिमी विधायक की कुर्सी खाली हो गई। अब अतीक अपने छोटे भाई अशरफ को वहां से विधायक बनाना चाहता था। उपचुनाव की तारीख आई तो अतीक के खास रहे राजू पाल ने भी बसपा के टिकट पर विधायक की लड़ने का ऐलान कर दिया। 2004 के अक्टूबर महीने में अतीक को बड़ा सियासी झटका लगा जब राजू पाल ने अशरफ को इस चुनाव में हरा दिया और इस जीत के साथ ही अतीक का दुश्मन बन गया राजू पाल। विधायक बनने के 3 महीने बाद 15 जनवरी 2005 को राजू पाल ने पूजा पाल से शादी कर ली। शादी के ठीक 10 दिन बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। 25 जनवरी 2005 को विधायक बन चुके राजू पाल एसआरएन हॉस्पिटल से बाहर निकले। उनके साथ 2 गाड़ियां चल रही थी। काफिला जीटी रोड पर था तभी बगल से तेज रफ्तार स्कॉर्पियो राजू पाल की गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे आ गई। राजू कुछ समझ पाते इसके पहले एक गोली सामने का शीशा चीरते हुए उनके सीने में घुस गई। गाड़ी धीमी हुई। स्कॉर्पियो से 5 हमलावर उतरे। 3 ने राजू पाल पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वहीं बाकी के 2 बदमाशों ने पीछे काफिले में जो गाड़ियां थी उन पर गोलियां बरसाई। हमले में राजू पाल और उनके साथ बैठे संदीप यादव और देवी लाल की मौत हो गई। पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने राजू के सीने से 19 गोलियां निकाली थी। 19 गोलियां, इससे आप समझ सकते हैं कि हत्याकांड कितना विभत्स था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह रहे उमेश पाल को साल 2006 में अतीक अहमद ने अपहरण करवा लिया था। ये एक रिपोर्ट है। उमेश पाल का अपहरण करवाकर राजू पाल हत्याकांड में अतीक अहमद ने अपने पक्ष में गवाही करवाई, ऐसे आरोप लगे। उमेश पाल ने इसी अपहरण मामले में अतीक अहमद पर केस दर्ज करवाया था और अपहरण के इसी मामले में कोर्ट में बहस के लिए 24 फरवरी को उमेश पाल कोर्ट के लिए गया हुआ था और जहां से लौटते समय अतीक अहमद के गुंडों ने उस पर फायरिंग की और उमेश पाल अब इस दुनिया में नहीं है। तो यह है उमेश पाल हत्याकांड की पूरी कहानी। यह है उमेश पाल हत्याकांड का राजू पाल हत्याकांड से कनेक्शन। वो राजू पाल जो कभी अतीक अहमद का करीबी हुआ करता था, कैसे वो अतीक अहमद का दुश्मन बन गया, ये सब कुछ हमने आपको इस वीडियो में बताया। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।